अस्सलामुअलैकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय सुभानअल्लाह राबी किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बटरी पाउंड केक की रेसिपी, जिसको हम बनाएंगे बिना अवन के। और इस टी पाउंड केक को बिना अवन के बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि मैंने इसकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखी है। आप इसको इजीली बना लेंगे। इस केक का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बटरी है। आप जब इस केक की रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिना अवन के इतना यमी और बटरी केक बनाना कितना आसान है। वीडियो लंबी ज़रूर है, लेकिन मैंने हर एक चीज़ को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इजी तरीके के साथ बटरी पाउंड केक बनाना शुरू करते हैं। पाउंड केक बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने लोफ पैन को तेल से ग्रीस करेंगे। मैंने यहाँ पर स्टील का लोफ पैन लिया है और ये 8x3 इंच का है। आप कैसा भी लोफ पैन यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसे तेल से ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ। आप मक्खन से भी इसे ग्रीस कर सकते हैं। देखिए, मैंने लोफ पैन को तेल से ग्रीस कर लिया है और अब इस पर मैं लगाऊंगी पार्चमेंट पेपर। आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। इससे जो हमारा केक होगा वो आसानी से बाहर आ जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस पर थोड़ा मैदा भी छिड़क सकते हैं, उससे भी आपका केक आसानी से बाहर आ जाएगा। देखिए, मैंने पार्चमेंट पेपर लगा दिया है और अब इसको भी हम एक साइड रख देंगे। देखिए, बेकिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक पॉट लिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ही नॉनस्टिक बर्तन यूज़ करें। आप इसकी जगह कोई भगोना या कढ़ाई यूज़ कर सकते हैं। आप जो भारी बर्तन या नॉनस्टिक बर्तन यूज़ करेंगे तो आपको नमक यूज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास भारी बर्तन मौजूद नहीं है, आप हल्के बर्तन में बेकिंग कर रहे हैं, आप उसके लिए नमक बिल्कुल यूज़ करें। आप 1 से 1.5 कप नमक ले लें और उस बर्तन में अच्छे से फैला दें, और फिर उसके अंदर आप कोई स्टैंड या रैक रख दें तो आपका केक अच्छे से बेक हो जाएगा। तो बेकिंग करने के लिए मैं पॉट के अंदर रखूंगी ये स्टैंड, लेकिन अगर आपके पास स्टैंड या रैक नहीं है तो आप कोई भी स्टील की प्लेट रख सकते हैं। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी और इसको प्री हीट होने देंगे लो फ्लेम पर, और अब इसके बाद आगे केक का बैटर बनाना शुरू करते हैं। पाउंड केक बनाने के लिए जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स होंगे, सबसे पहले हम उनको छान लेंगे। तो पाउंड केक बनाने के लिए मैं लूंगी 1¼ कप मैदा, 1/4 कप और डाल देंगे, ये वजन में 150 ग्राम के करीब है। और अब इसमें डालूंगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और अब इसको हम छान लेंगे। देखिए, हमने इन दोनों को छान लिया है और अब इसको एक साइड रख देंगे। पाउंड केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मक्खन और ये वजन में 150 ग्राम है, और ये मक्खन मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया है। ध्यान रखिए, जब आप मक्खन यूज करेंगे तो आपका जो मक्खन होगा वो ना तो ज्यादा ठंडा होगा और ना ही ज्यादा गर्म होगा, तो आपको इसे रूम टेम्परेचर पर ही लेना है। और अब इस मक्खन को हम बाउल में डाल देंगे। और अब इस मक्खन को हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से बीट करेंगे ताकि ये हल्का सा क्रीमी हो जाए। तो इसको 1 से 2 मिनट तक बीट करेंगे। देखिए, मैंने मक्खन को 1 से 2 मिनट तक अच्छे से बीट कर लिया है और आप देख सकते हैं ये थोड़ा क्रीमी हो गया है। और अब मक्खन के अंदर डालूंगी 1 कप पाउडर चीनी, ये वजन में 125 ग्राम के करीब है, इसको भी बाउल में डाल देंगे। और अब मक्खन को और पाउडर चीनी को हम अच्छे से बीट करेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट तक। बहुत ही अच्छे से बीट करना है। आप इसको जितना बीट करेंगे पाउंड केक आपका उतना ही अच्छा बनेगा, तो इसको भी 3 से 4 मिनट तक अच्छे से बीट करेंगे। देखिए, मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया है और आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा क्रीमी हो गया है।
और अब इसके अंदर मैं डालूंगी 3 अंडे और अंडे भी मैंने रूम टेम्परेचर पर लिए हैं। तो अब मैंने यहाँ पर 3 अंडे लिए हैं, लेकिन हमें तीनों अंडे एक साथ इसमें नहीं डालने हैं। इसमें हम एक एक करके अंडा डालेंगे और एक अंडा डालने के बाद उसको 1 मिनट तक अच्छे से बीट करेंगे। तो इसमें एक अंडा डालेंगे, एक अंडा डाल दिया है और अब इसको 1 मिनट तक अच्छे से बीट करेंगे। देखिए मैंने 1 मिनट तक फिर से अच्छे से बीट कर लिया है और अब इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसके बाद इस बाउल में हम डालेंगे मैदा और बेकिंग पाउडर। मैदा और बेकिंग पाउडर को भी हम एक साथ नहीं डालेंगे, इसको भी हम 3 हिस्सों में करके डालेंगे। और मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप दूध, दूध भी मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया है और इसको भी हम 3 हिस्सों में करके डालेंगे। तो इसमें से थोड़ा ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। और थोड़ा सा दूध डाल देंगे। और इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे। देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इस केक के बैटर को हम अपने ग्रीस हुए लोफ पैन में डाल देंगे। देखिए केक का बैटर मैंने लोफ पैन में डाल दिया है और अब इस बैटर को हम बराबर कर देंगे। देखिए मैंने केक के बैटर को बराबर कर दिया है और अब बेकिंग की तरफ चलते हैं और इस लोफ पैन को हम अपने प्री हीटेड पॉट में रख देंगे। देखिए मैंने केक को बेक होने के लिए पॉट के अंदर रख दिया है और मैंने इसको कवर भी कर दिया है और ये जो कवर का होल है हम इसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर देंगे। इसको करना इसलिए जरूरी होता है ताकि जो अंदर की हीट है वो बाहर ना जाए। देखिए अब पाउंड केक को हम बेक करेंगे करीब 50 मिनट तक। तो शुरू के 10 मिनट आपको अपनी गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है और जैसे ही आपके 10 मिनट पूरे हो जाएंगे आपको अपनी गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है। तो बाकी के जो बचे हुए 40 मिनट होंगे उसमें आपको अपनी गैस की फ्लेम लो रखनी है। तो इस केक को बेक होने के लिए टोटल आपके 45 से 50 मिनट लग सकते हैं। तो ध्यान रखें शुरू के 10 मिनट आपको मीडियम फ्लेम रखनी है और बाकी के 40 मिनट आपको लो फ्लेम रखनी है। और अगर यही केक आप ओवन में बेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने ओवन को प्रीहीट कर लें 170 डिग्री सेल्सियस पर 10 से 15 मिनट तक। ओवन के प्रीहीट होने के बाद आप 170 डिग्री सेल्सियस पर ही अपना केक बेक होने के लिए रख दें 40 से 45 मिनट के लिए। आप 40 मिनट के बाद अपना केक चेक कर सकते हैं टूथपिक की मदद से। अगर 40 मिनट के बाद आपका केक बेक नहीं हुआ है तो आप 5 या 10 मिनट और बेक कर सकते हैं।
तो मैंने आपको विद ओवन और विदाउट ओवन टाइम टेबल समझा दिया है, आप इसको इजीली बेक कर सकते हैं। तो इस बटरी पाउंड का हम 50 मिनट तक या बेक होने तक वेट करेंगे। देखिए पाउंड केक को 50 मिनट करीब पूरे हो चुके हैं और आप बाहर से देख सकते हैं जो केक है वो ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और अब केक को हम टूथपिक की मदद से चेक करेंगे कि जो हमारा केक है वो अंदर तक अच्छे से बेक हुआ या नहीं। अब मैं कवर हटाऊंगी। देखिए आप देख सकते हैं जो टूथपिक है वो बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब जो हमारा केक है वो अच्छे से बेक हो चुका है। और अब इस केक को हम बाहर निकाल लेंगे। तो अभी इस केक को हम लोफ पैन से बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि जो केक है वो गर्म है, तो हम केक का ठंडा होने तक वेट करेंगे। देखिए केक हमारा ठंडा हो चुका है और अब छुरी की मदद से हम केक की साइड्स को लूज करेंगे ताकि जो हमारा केक है वो आसानी से बाहर आ जाए। देखिए मैंने केक की साइड्स को लूज कर लिया है और अब इसको लोफ पैन से बाहर निकाल लेंगे। और अब जो ये पार्शमेंट पेपर है इसको हम रिमूव कर लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं केक चारों तरफ से कितना अच्छा बेक हुआ है, बिल्कुल ब्राउन कलर आया है। आप देख सकते हैं हम बिना ओवन के भी केक को कितना अच्छा बेक कर सकते हैं। और अब इसके बाद मैं आपको ये केक कट करके दिखाती हूँ ये अंदर से कितना अच्छा बना है। देखिए मैंने बटरी पाउंड केक को कट कर लिया है और मैंने इसके 3 पीसेस किए हैं। और अब आपको मैं एक पीस दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट है। ये देखिए कितना बटरी और कितना सॉफ्ट है। तो आप भी ये बटरी पाउंड केक की रेसिपी जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी ये इजी और बटरी पाउंड केक की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी एक अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।